Where do you meet Ayush Bhai? Online. TikTok. Online. Live session के दौरान. Pin that link, Alize. कौन सा? कौन सा? कौन सा खाना? In the beginning, how much Ayush Chuppa bothered you? A lot, because there is one thing in my language. The meaning of chuppa is something really. It's not a nice word. Punjabi log is word ko use karte hain. It's not a nice word. So जब आयुष चुप्पा चुप्पा बोलता था ना तो लोग मेरी videos लगा के and then उसको उस तरीके से edit करके काफी गंदे तरीके से use करते थे. तो इसीलिए मैं आयुष को बोलती थी दैट डोंट यूज दिस वर्ड. बट फिर जब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी हमारे साथ जुड़े और पाकिस्तानियों ने मतलब जाना कि हाँ ओके दे अंडरस्टैंड दे उन लोगों को नेपाली समझ में आई सो वो चीज़ ख़त्म हो गई. नाउ दे नो दे ऑल नो कि हाँ चुप्पा जो है इज किस. सो ये था मुझे सिर्फ ये होता था कि बस ये वीडियोस पिक्चर्स लग के माँ बाप को जो बोलते हैं क्योंकि मैंने अपने अम्मी अबू को शुरू से ही दिखाया हुआ था तो जब माँ बाप पे बात जाती ना तो बड़ा बुरा लगता बुरा सा लगता. ये तो है. ओके अलीज़े आप भी अबू को बाबा बोलती हो? मैं भी बोलती हूँ. हाँ मैं बाबा बोलती हूँ या अबू बोलती हूँ. बाबा बाबा जब चिल्लाती हूँ जब मैं कोई मुश्किल में होती हूँ. अबू अबू जब चिल्लाती हूँ जब मैं खुश होती हूँ. ऐसे ही है. Beautiful, nice, bhai, nani. Thank you so much. Guys, more questions, come on. Alize says, pin the link of Ayush's song. Janu, kaise karte hai? Kaise karu? Aap moderators ho, aap log kar sakte ho. Kaise karu? Mujhe nahi karna aata. Kaise karu, mujhe batao. Alize, mein meri tarah yaar. Shuru mein toh. Haan, dekho, khanda nahi kiya. Khanda, aapne kiya hai. Achha, mujhe idhar se karna padega? थैंक यू फॉर 19. थैंक यू सो मच खानदा. आप करो ना. ये क्या हो गया? मोटिवेशन कहाँ से मिला? मुझे शुरू से ही ब्लॉगर बनना था. शुरू से ही मतलब मैं ना ऐसी वाली बंदी थी कि ना मैं शीशे के सामने खड़े होके मेकअप करते वक्त हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस तरीके से हरकतें करती थी. आई वाज ऑलवेज दिस मच एक्सप्रेसिव एंड दिस मच एनर्जेटिक. मुझे शुरू से करना था. मुझे कोई मोटिवेशन नहीं थी, बस करना था. अच्छा अलीज़े वॉन्ट टू से समथिंग बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से आपकी वीडियोज़ देखती हूँ बट लाइव पे फर्स्ट टाइम आई हूँ. प्लीज़ मस्ट लिसन वॉट टू से समथिंग. जी जी बोलो. जी बोलिए. हाई आपकी बिगेस्ट फैन लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम बांग्लादेश. बांग्लादेश के बड़े फैंस हैं ना. थैंक यू. अच्छा क्या आपकी ज़िंदगी में हरामी घटिया इंसान अभी पढ़ देती तो जाहिल. अलीज़े रोज ब्लॉग दिया करो यार मैं वेट करती हूँ. अरे यार जानू कुछ होता नहीं है रोज़ कल पर मैं ट्राई करूँगी. अभी जो है कुछ न्यू करेंगे हम लोग. आएगा. अस्सलाम वालेकुम आपी. वालेकुम अस्सलाम. आई एम सुमैया. हेलो. अच्छा lots of love from India. Thank you. Describe one word of describe Ayush in one word. Love. Not life. Not possible. हाँ बुहारी आप दोनों के क्लोथ का काम कब से शुरू करेंगे? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है. मैं ये समझती हूँ कि इंसान को जो है
अपना कोई भी बिजनेस करने से पहले जितनी अमाउंट वो अपने बिजनेस पे लगाए उतना ही बैकअप पर होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस करते ही आपका बिजनेस रन नहीं होता है. आपको 1-2 साल लगते हैं उस बिजनेस को बनाने में, लगाने में, और इस तरीके से बनाने में कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपको मिलें और वो वापस भी आएं. तो जब आपके पास वो बैकअप अमाउंट नहीं रहेगी, आप बिल्कुल कंगाल हो जाओगे, तो आप कैसे करोगे? सो आई फील लाइक कि आपके पास उतने पैसे होने चाहिए, उसके बाद आप अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करो. सो नाउ वी आर मोर फोकसिंग ऑन द सेविंग्स, बिकॉज दिस इज़ द रियलिटी. वेन एवर यू आर डूइंग सम बिजनेस और समथिंग, कीप दिस इन माइंड, अगर आप अपनी सारी जमा पूंजी लगा दोगे True. तो फिर अगर वो नहीं चला फिर क्या करोगे? लेकिन अगर आपके पास बैकअप के पास चीज़ें होंगी तो आप उसको आराम से चला सकते हो. सो आई थिंक कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए. ना हम कहीं भाग रहे हैं, ना आप लोग कहीं भाग रहे हो. सो इट्स बेटर कि हम लोग आराम से काम, मतलब लोगों के साथ क्या बोलते हो, उसे जो लोग होते हैं सजेशन लेके, लोगों की एडवाइसेस लेके, हाँ, सब लेके, एंड देन काम स्टार्ट करें. ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? अरे एक बात पे मेरे इतने सारे क्वेश्चंस ऊपर चले जाते हैं यार. मेरा बॉयफ्रेंड पठान है और मैं नेपाल से, क्या ये सक्सेस हो सकता है? ये मैं नहीं बता सकती, ये आप पर है. It's not in our hands. ये आप पर है और आपके. The thing is, अगर लड़का चाहे तो ही लव स्टोरी और सारी चीज़ें कामयाब होती हैं, ठीक है? लड़की के चाहने से कुछ भी नहीं होता, बिकॉज इन मेरे को लगता है दोनों के चाहने से होता है. स्टेप लेना होता है बड़ा. अली से भाभी कोई ओल्ड मज़ेदार किस्सा सुनाओ जिससे सुनकर दिल गड़न गड़न हो जाए. अच्छा जी, सुनाती हूँ. अस्सलाम वालेकुम, आप अपने हेयर केयर टिप्स शेयर करें. मेरे पता है हेयर जो है इतने पतले से हो गया, अभी मैंने दोबारा ऑयलिंग स्टार्ट की है. अलीज़े अच्छा गेट हो गया. अलीज़े हमें शादी में इनवाइट करोगी? ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं. ऑफ कोर्स. ओके गाइस, ये जो नीचे मैंने लिंक पिन किया हुआ है, एवरीबॉडी गो लिसन टू दिस सॉन्ग, लेट्स मेक 5 मिलियन व्यूज ऑन दिस. ओके, बहुत खूबसूरत हो रही है. थैंक यू. लिंक क्लिक नहीं हो रहा. अरे कस्तो बहरी नानी डेली व्लॉग. अरे यार, ओके आमा, अच्छा लगता है अलीज़े के व्लॉग देख के, एनर्जी हाई होती है. आपको भाई मोटू कब से बोलने बुलाने लगे? शुरू से. और वो अच्छा भी लगता है आयुष के, उससे ना आप अच्छा ही. तो क्या, अस्सलाम वालेकुम अलीज़े, विल यू लाइक आयुष विल जॉइन जिम क्लास? ऑफकोर्स, आयुष अगर जिम स्टार्ट करेगा तो बहुत अच्छा है, बट वो नहीं करेगा बिकॉज अभी आयुष जो है वो बिजी है कुछ चीज़ों में. एंड आई मेक श्योर कि आयुष अगर जिम जाए तो सिर्फ वो लड़कों वाले जिम होते हैं ना, उसमें जो है. अलीज़े, डू यू कॉपरेट विद ऑल दीज हेट? अलीज़े, हाउ डू यू कॉपरेट विद ऑल दीज हेट कॉमेंट्स? मैं फ़न मस्ती में लेती हूँ, पता है. पहले मैं दिल पे लेती थी, लेकिन ना उससे ना आप अपनी जो है मेंटल हेल्थ को परेशान करते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, फ़न में लो. हाउ मच वेट डिड यू लूज आफ्टर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान? 2 kg. मैं 67 थी, अभी 65. कंग्रेचुलेशन 680 months. लिंक क्लिक नहीं हो रहा. खानदा मेरी जान से रेस पे देखो, क्यों नहीं हो रहा यार? आप तो मोटी में भी अच्छी थी. वही तो यार, कल आयुष मुझे यही बोल रहा था, तो मोटी में भी बहुत अच्छी थी, पता ही नहीं लगता था कि तुम तो मोटी हो. पर क्या ही बोलो, मेरा बस चले अपने बंदे को काला टीका लगा के रखो. मेरा बस चले तो अपने बंदे को जो है एक क्या बोलते हैं, इधर 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 जो है एक स्टैम्प लगा दूँ के अलीज़े का, ऐसे सबको दिखना चाहिए. यू नो, एक एंगेजमेंट रिंग काफ़ी नहीं है मुझे लग रहा है. नेपाली में बुहारी, उर्दू में बहू और बंगाली में बहू कहते हैं. ओ वाह, वी. यार आपकी पर्सनैलिटी बिग बॉस में जाने वाली है. अल्लाह सच्ची. राकेश दाई, थैंक यू सो मच. आप बहुत बुद्धि हो गई हो भाई नानी, ज़्यादा पतली भी अच्छा नहीं ना. लव यू बोथ. आई यू से लव यू टू मेरे दाई. हाँ ठीक है दाई, अब मैं जो है बस
एक एक दो के जी लूज करूँगी, 65 हूँ ना मैं, आई विल बी 62 और 60 एंड देन उसके बाद मैं नहीं करूँगी. ठीक है. हाय लीजे, हेलो हेलो. अच्छा लिंक क्लिक नहीं हो रहा है. व्हेन डिड यू आई सी यू फर्स्ट टाइम? ज़रीन, ज़रीन, जब मैं फर्स्ट टाइम नेपाल गई थी ना तब. आपका ड्रीम जॉब? अरे पता है मेरा ड्रीम जॉब क्या था? मुझे एयर होस्टेस बनना था. सीरियसली मुझे एयर होस्टेस बनना था, बट देन मैं नहीं गई. मैंने नहीं गई मैं फिर, पर मुझे एयर होस्टेस बनना था. ये आज से बहुत पुरानी बात है, लाइक 6-7 साल पुरानी बात. मुझको एयर होस्टेस बनना था. मैं अल्लाह कीप यू बोथ हैप्पी. आमीन या रब. कभी इंडिया आओ, यहाँ भी बहुत फ़ैन है आप दोनों के. लव फ्रॉम झारखंड इंडिया. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. इंडिया तो आई थिंक अलीज़े शादी के बाद ही आ सकती है ना. How can we watch? Can't open the link. ये जो डॉट बना हुआ है, ये जो थ्री डॉट्स बने हुए हैं, इस पर क्लिक कीजिए गाइज. के जो थ्री डॉट्स बने हुए, नहीं इस पर भी क्लिक होके नहीं हो रहा है. कौन है ये झूठा? आई लव यू सिस, लव यू ऑल मोर. और कुछ पूछना है तो पूछो यार. आज तो मैं बिल्कुल आप लोगों के आमने सामने हूँ. जो लोग इंडिया से देखते हैं, जो लोग पाकिस्तान से देखते हैं, बांग्लादेश से देखते हैं, पूछो. व्हाट इज योर ड्रीम कंट्री दैट यू वांट टू विजिट विद आयुष? मक्का मदीना इंशाल्लाह, क्योंकि मैं भी अभी तक नहीं गई हूँ. आप भी, आप भी स्वीट हो. आप सब कमेंट पर आ. हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ ना. व्हेन डिड यू नो अबाउट आयुष बीइंग द वन फॉर यू? अनमोल, बिकॉज जब पता है मैं जो है ना बहुत ही फिल्मी बंदी हूँ, पता है बहुत ही फिल्मी बंदी हूँ. सो ये तो मेरे साथ भी है. मुझे ये था कि इस बंदे को मैंने खुद नहीं ढूंढा है, इस बंदे को अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में जो है ना डाल दिया है. तो यही है, यही है. और पता है क्या, जब मतलब हर लड़की को वो लड़का चाहिए होता है जिसको वो खुद प्रपोज ना करे, जिसको वो खुद ना ही जाए उसके पीछे, वो पीछे 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 आए ना. तो जब मैंने ये चीज़ देखी ना तो आई वाज लाइक अल्लाह कितना क्यूट है. तो यही है. तो और जब 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 चीज़ों में अल्लाह की मर्ज़ी होती है तो फिर जो है ना चीज़ों में मैजिक होता है. तो फिर बस वही था, वही हो रहा था. तो बस आई विल जस्ट गो विद द फ्लो. आई वाज लाइक हाँ इज द वन. ओके, व्हाट इज़ योर प्लान फॉर द बर्थडे? हु इज़ कमिंग विद यू? माय मॉम, सिस्टर, ब्रदर, हाँ और मैं. बाबा भी आना चाहते हैं, बट जो हमारे 8 बच्चे हैं. ओ गाइस, आप मेरे को बताना भूल गई. 8 बच्चों की डिलीवरी हो गई. माशाल्लाह 3 हुए या 4 हुए, समथिंग लाइक दैट. अब्दुल वासी के बेड के नीचे दिए. थैंक यू सो मच फॉर SAR 10. पता भी नहीं है क्या, कंफर्म भी नहीं है क्या, 3 या 4? गाइस अब बताओ. दुबई की गर्ल्स को कैसे पटाएं? नहीं पटाओ यार दुबई की गर्ल्स को, मतलब द लोकल वंस. नहीं यार, क्या रखा है उनमें, कसम से वो फेक होती है पूरी. आप दोनों को बहुत सारा प्यार. इंडिया हिमाचल से खुश रहो हमेशा. थैंक यू सो मच भाई. बाय बाय अनिल कुमार. अनिल कुमार, अनिल तो मेरे मामा का नाम भी है. थैंक यू सो मच. I live in South Korea. Where are you come from? I guess you're from India. So cute. No, no, no. I'm from Pakistan, but I live in Dubai. भाई नानी आप नेपाल जल्दी जाओ ताकि आप प्यार से ख्याल रखो. वही तो कसम से मैंने बोला आयुष को, मैं जल्दी आ जाऊँ, बोलता है नहीं. Because फिर आयुष को ही ख्याल रखना पड़ेगा. Click on the guys. किस तरीके से लिंक को क्लिक करेंगे मुझे बताना. इन लोगों को बताओ. ये वो ये हो रहा है ना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ ताकि आप भी मुझे आप पढ़ने जाना है. नहीं तो अम्मी हाँ जाओ 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 पढ़ो. Where did you got the saree, please? Saba, ये जो है आयुष मेरे लिए gifts लेकर आया था. सिर्फ एक नहीं थी, बहुत सारी साड़ियाँ आयुष लेकर आया था. तो ये उनमें से एक थी. और बहुत सारी आयुष मेरे लिए लेकर आया था. आई थिंक तीज पर था guys. तीज पर था या फिर आई डोंट रिमेम्बर, बट इट वॉज़ लाइक 7-8 थी, कुछ इस तरीके से थी. ही वॉज़ कमिंग फ्राम नेपाल टू दुबई और वो लेकर आया था मेरे लिए. And it's like
ये सिर्फ एक साड़ी पता नहीं, आई थिंक ये महंगी है। आयुष साड़ी बहुत महंगी ली थी, साड़ी पता है साड़ी। उसे मुझे बिल भी भेजा, यस तीज, हाँ तीज, उसे मुझे बिल भी भेजा था, बोलते देखो तुम्हारे लिए लिया मैंने। गाइस डबल टैप, एवरीवन डबल टैप एंड शेयर द लाइव। आप दोनों को 2 दिसंबर से देख रही हूँ। ओह मैंने 2 दिसंबर से तो नहीं देखा, लेकिन बाद में भी मैंने पहले वाले कुछ कुछ विल यू कम टू यूएसए आप भी? यस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेट्स मेक आई यूज़ अ सॉन्ग 5 मिलियन टिल मॉर्निंग। यस गाइस प्लीज, थैंक यू सो मच सुरेश, राकेश दाई, थैंक यू सो मच कोई नहीं, सुरेश भी नाम होता है, क्या हो गया? ओके यस राकेश दाई, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस पूछो बस खत्म। हेलो लीजे, टन्स ऑफ लव, थैंक यू। बीटीएस आर्मी, आर यू हियर? आप ही लाइव क्या क्या रखेंगे आप चैनल में, बाद में देख सकूंगी? जी 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 जी, ये सारी देखकर सो वाली ब्लॉग याद आ गई, कैंडल लाइट डिनर वाली। अच्छा पता है तुम लोगों को मैंने क्या जुगाड़ किया हुआ है? मैंने जो है ना इस सैंड को ठीक से नहीं पहना हुआ है, मतलब सिर्फ तुम लोगों को दिखाने के लिए पहना हुआ है, और ना कि नीचे नीचे है ना, नीचे रुको, नीचे है ना मैंने अपना ट्राउजर ट्राउजर पहना हुआ है, सिर्फ तुम लोगों को दिखाने के लिए मैंने पहना, बिकॉज आई वाज लाइक अरे यार कौन ही पहनेगा ना, तभी सिर्फ ऊपर से ही अच्छी लगी, उठूंगी नहीं। अरे यार इतना जल्दी कौन होता है, पहन के बैठी बिकॉज यार इतनी अजीब सी वो जाती है, कौन हिले झुले यार। आ माय गॉड सो क्यूट यार। हाँ तो तुम्हें वो सिर्फ दिखाने के लिए ना मैंने, मतलब अभी लड़कियां देख के बोल रही हैं इतनी प्यारी साड़ी, इतनी प्यारी साड़ी, नीचे से आपकी बहन ने जो है ट्राउजर पहना हुआ है। खुदा ना खास्ता आयुष नहीं हुसा तो जी पाओगी, खुदा ना खास्ता आयुष नहीं हुसा, हुसा के ठीक से लिखो, खुदा ना खास्ता, इतना मस्त लिखा आपने, उसके बाद पॉटी कर दी, क्या बोला यार। आप ही एक बार प्लीज मेरे नाम लीजिए, तैशी तैशी, हाय तैशी, क्या लिख रहा है यार, खुदा ना खास्ता इतना अच्छा लिखा तो उसके बाद क्या लिखा यार तुमने। एन बी थैंक यू सो मच फॉर 190 वाई। मेरी लाइफ कहाँ गई? ओके फिर से मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए, लो लो लो, तुम लोगों ने वो मेकअप ट्यूटोरियल इतना पसंद किया है, मुझे तो लगा था नहीं देखोगे तुम लोग अच्छे से। और लीजिए इंस्टा पे भी पूरा एक्टिव रहती है ना, मुझे लगा था आप लोग अच्छे से रील्स बड़ा अच्छा भी करते हैं ना। I was like अरे व्यूज तो बहुत आते हैं यार इन लोगों ने, ओए होए आए हाय उम्र में सारे आज क्या है वो डेफिनेटली। अरे यार अपनी लाइफ के चक्कर में किसी और की लाइफ चली लग गई। खुदा ना खास्ता आयुष गायब हुआ तो जी पाओगी, कहाँ गायब होगा यार, तुम्हें लगता है कि मैं आयुष को गायब, कहाँ गायब होगा तुम्हें लगता है, तुम्हें लगता है कि आयुष मेरे बिना रह सकता है? ऐसा जादू करके इसको फंसाया है ना मैंने, तुम लोग भी सोचते होगे अरे कैसे यार भाई इतना पागल इस लड़की के पीछे कैसे हो गया, वो एक होती है उसके पीछे हो जाता है। थैंक यू फॉर 3MYR महावीर कुमार, ऐसे पागल किया ना तुम्हारे भाई को मैंने। अच्छा और क्या है, अ न्यू फेज ऑफ लाइफ इज बिगनिंग, थैंक यू प्रवीण कुमार, थैंक यू सो मच।
वीक में एक बार यूट्यूब पे लाइव हमें भी बात करना है मौका. हाँ ठीक है ठीक है, ये करेंगे ये करेंगे गाइस, हम यूट्यूब पे अब लाइव क्या करेंगे, डोंट वरी गाइस. ओके दैट्स वेरी नाइस. और क्यू एन ए बड़ा मस्त, मतलब क्यू एन ए जब भी होता है ना मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. यू नो इतने सारे क्वेश्चंस जो हमारे भी मन में होते हैं बहुत सारे, तो ठीक है, और जो मन में नहीं भी होते वो भी सुनने को मिलते हैं, उसके जवाब भी सुनने को मिल जाते हैं. और बड़े स्पीडली लाइव में बहुत स्पीडली अलीजे आंसर दे रही है यार, और अलीजे ऐसे आंसर देते हैं ना कट टू कट करके, मस्त मजा आ जाता है सुन के. और अच्छा लगा ये वीडियो देख के, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट. इफ यू डू देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.